मैं इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रही थी और मेरे सामने एक गाड़ी आई और यार ये गाड़ी मुझे इतनी अमेजिंग लगी कि बस फटाफट मैंने इसकी डिटेल्स निकाली और पता चला ये गाड़ी है मुंबई में। तो मैंने अपने बैग्स उठाए और मैं निकल गई मुंबई के लिए इस कार को 1-on-1 देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसी कार है और आपको भी दिखाती हूँ। फाइनली ये है हमारा प्रोडक्ट और ये है हमारी अल्फार्ड। ये गाड़ी मैंने आपको बहुत सारी कंट्रीज में दिखाई है, बहुत बार दिखाई है, बहुत अप्रिशिएट करते हैं हम इसे। लेकिन हमेशा एक सवाल होता है कि टोयोटा इसको इंडिया में क्यों नहीं लेके आ रहा यार, कब लेके आएगा, कब इसको लॉन्च करेगा। अब यहाँ पर इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो देखिए इंडिया में बहुत ज़्यादा बोलूँगी हाई फाई लोग बैठे हैं जो इतना वेट नहीं करते हैं। ये कभी आएगी नहीं आएगी मुझे श्योरिटी नहीं है, लेकिन अब इसको इंडिया में बना दिया गया है। ऑटो राउंडर्स ने इस कार को डिज़ाइन किया है, उन्होंने इस कार को बनाया। और सबसे स्ट्रेंज बात आपको जो लगेगी वो ये है कि ये हाई क्रॉस को कन्वर्ट किया गया। तो ये कैसे किया गया है, कैसे ये गाड़ी इतनी ज़्यादा आपको खतरनाक लग रही है, इतनी ज़्यादा स्मार्ट लग रही है, कितना आपका इसमें पैसा खर्च होने वाला है, कितना ये लीगल है, इलीगल है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे सतीश भैया के साथ। भैया मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर आने से पहले उनको जब उनका इंस्टाग्राम पर सब चीज़ें देखी तो मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया एंड बहुत ही अच्छे से उन्होंने मुझे सब चीज़ें समझाई, अपने प्रोडक्ट दिखाए। तो बातें करते करते वो इतनी अच्छी हमारी ट्यूनिंग हो गई कि बिल्कुल भाई जैसे बन गए हैं। तो आज हम उनके साथ हैं और वो अपनी पूरी कार आपको समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। मुंबई बेस्ड है उनका ये, अगर आपको कराना है तो वो दिल्ली में करते हैं नहीं करते वो भी पूछते हैं। चलिए हेलो भैया। हाय, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड विजिटिंग अस। आवर प्लेजर, आपसे ज्यादा हम एक्साइटेड हैं। अच्छा एक मुझे चीज बताइए, हाई क्रॉस सबसे ज्यादा बिक रही है आज की डेट में? करेक्ट, यस। और मॉडिफिकेशन के नाम पे बहुत मिनिमम छोटा मोटा करते हैं। करेक्ट, ये पूरा उसका एक तरीके से मैं बोलूंगी कंप्लीट मेकओवर है। अग्री, है ना। सबसे पहली चीज कि ये इज इट लीगल, हम इसको चला सकते हैं रोड पे? ओके, सो लीगलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको जो इन्फॉर्मेशन है मैं वो आपको बताता हूँ कि जो भी आरसी बुक में मेंशन है अगर आप उसको चेंज करते हैं, जैसे कलर हो गया, लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, इंजन कैपेसिटी हो गया, सीटिंग कैपेसिटी हो गया, तो वहाँ पे आपको आरटीओ से अप्रूवल लेना होता है। okay. इसमें हमने ऐसा कोई भी चेंज नहीं किया है जिसकी वजह से आरटीओ का अप्रूवल की जरूरत पड़े। सो वी व्हाट वी हैव चेंज इज ओनली द बम्पर एंड द ग्रिल। तो इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी दिस इज ऑल लीगल। ऑल लीगल, यस। ठीक है, चलिए पहली चीज हमारी क्लियर हो गई। अच्छा नेक्स्ट, अब आप मुझे बताना शुरू करो आपने इस कार में किया क्या-क्या। ओके, सो आई स्टार्ट विद दिस किट। ये जो किट है इसको हम अल्फार्ड किट बुलाते हैं। सो इस किट में कंप्लीट बम्पर जो है वो चेंज हुआ है, इसकी जो ग्रिल है वो चेंज हुई है, एंड दिस इज द ओनली किट इन इंडिया आई कैन से जिसमें ये वाला लोगो आता है। बाकी जो भी अवेलेबल है वो इंडिया में टोयोटा के लोगो के साथ है। इसको हमने प्रॉपरली एयरलिफ्ट कराया था तो इस टाइम पे ये इंडिया में अवेलेबल थी नहीं, दैट्स व्हाई वी गॉट दिस लोगो। एक्सक्लूसिव हो गया, एक्सक्लूसिव हो गया क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी। बाकी हमने और कोई चेंज नहीं किया है इसके साथ साथ। इसका पीछे का बम्पर का स्कर्टिंग है वो हमने इंस्टॉल किया हुआ है, प्लस इसके अलॉय व्हील्स। सो यू कैन सी हमने इसके अलॉय व्हील्स भी चेंज किए हैं, उसके साथ साथ इसके टायर को भी 1 इंच से ऊपर किया हुआ है। तो अगर इसमें 16 इंच है तो हमने इसको 17 इंच में किया हुआ है, दैट इज व्हाट वी हैव डन। पूरी कार को हमने गरवारे का पीपीएफ भी किया हुआ है टू एंश्योर द पेंट इज प्रोटेक्टेड। प्लस साइड में अगर आप देखेंगे तो ऑटो फुटस्टेप्स है, सो यू कैन सी। तो जैसे माईबाग में ये सब में आता है तो वैसे हमने किया हुआ है, हमने वो पूरा अल्फार्ड वाला फील दिया है कि एग्जैक्टली फील आनी चाहिए। अच्छा इसके पीछे आपने क्या चेंजेस किए? सो पीछे अगर आप देखेंगे तो ये जो टेल लाइट है स्मोक ब्लैक टेल लाइट है, कनेक्टेड सेट ऑफ 5 पीस आता है, ये हमने इंस्टॉल किया हुआ है। उसके साथ साथ जो अल्फार्ड किट है उसमें ये पीछे का बम्पर का स्कर्टिंग आता है जिसमें डमी डिफ्यूजर और एग्जॉस्ट वैसा पूरा फील है, तो ये उसके साथ ही किट के आता है, तो ये हमने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। ऑल राइट, मुझे इंटीरियर में भी बहुत ज्यादा फर्क दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट इंटीरियर पे ही इस पे सबसे ज्यादा काम हुआ है बिकॉज कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि वो ऑफिस, इसको एक अपना ऑफिस ही समझते हैं, तो मैं इतना ट्रैवल करता हूँ कि इंटीरियर ऐसा बनाओ कि मुझे थकान ना आए। सो लुक एट दिस इंटीरियर। अच्छा आपने इसमें पर इसमें तो आती है ना हमारी ऑटोमन सीट्स? हाँ, वो बेस मॉडल में नहीं आता है, वो टॉप मॉडल में आता है। सो दिस वाज बेस, नाउ कन्वर्टेड टू ऑलमोस्ट लाइक अ टॉप मॉडल जिसमें आपके रिक्लाइनर्स और सब कुछ आ गया।
प्लस ये भी जो है ये भी ऑटोमेटिक रिक्लाइन होता है, इसके स्विचेस हमने यहाँ पे दिए हुए हैं अंदर। हाँ, तो ये आपके स्विचेस है तो आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं उससे। सो दिस इज द सीट जहाँ पे जनरली जो भी शॉफर ड्रिवन कार है वो बैठते हैं, तो इसीलिए हमने इसको सबसे ज्यादा कम्फर्ट दिया हुआ है। प्लस आप देखेंगे तो इसमें ट्रे है, तो अगर आपको काम करना है वो कर सकते हैं, खाना खाना है तो वो कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो बिग साइज ट्रे या नहीं, और ये इनबिल्ट है तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बाहर से चिपकाया हुआ है। स्क्रीन भी आप देखेंगे तो हमने इस पे माउंट किया है, तो ये भी अलग से दिख नहीं रहा है, जैसे आजकल 7 सीरीज एस क्लास सब में आता है तो वैसा फील है। और इसमें सब कुछ है, और इट्स एन एंड्रॉइड एंड विद कार प्ले। यस यस यस। और ये सारे बटन्स हैं जिससे आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने एम्बिएंट लाइट दिया हुआ है, गैलेक्सी स्टार लाइट दिया हुआ है, स्काई रूफ दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आप इससे ऑपरेट कर सकते हैं। प्लस इस सीट के फंक्शंस भी आगे पीछे के रिक्लाइन के, और ये जो आपको लेग का सपोर्ट है वो भी आप इससे यूज कर सकते हैं। तो जो आपकी ओरिजिनल सीट थी आपने उसको पूरा डिटैच करके, दिस वन इज द न्यू? नो नो, इट्स द सेम सीट, उसके अंदर हमने मोटर इंस्टॉल की हुई है, तो आपको लग दिखा भी नहीं होगा कि कहीं पे मोटर इंस्टॉल्ड है। मुझे नहीं दिखा। हाँ, हमने उसी सीट को फैब्रिकेट करके यूज किया हुआ है। काम बहुत नीट है। थैंक यू। बहुत नीट है। मुझे बहुत सारी चीजों में तो वो पता ही नहीं चल रहा कि कुछ हुआ है या ये पहले से ऐसा ही प्रोडक्ट है। ये सारा भी आपने ही? यस यस, दिस एंटायर। सो ये पूरा आप देख रहे हैं ना, ये पूरा फाइबर का ये पूरा स्ट्रक्चर हमने बनाया, जो पीछे से हमने इसको अटैच किया हुआ। अच्छा सा लुक आ रहा है, मतलब पीछे बैठ के ना सीट वगैरह बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रही है, बहुत स्पोर्टियर सी लग रही है गाड़ी ना। इट लुक्स आल्सो वेरी स्पोर्टी एंड लग्जरी बोथ एट द सेम टाइम। एंड अगर आप इस पे बैठेंगे तो आपको एक्चुअल फील आएगा, बिकॉज दिस इज व्हाट इज जेन्युइन नापा लेदर। जो आप शायद मार्केट में नापा एज अ लेदर सुनते हैं, बट ये जेन्युइन नापा लेदर है जो हमने स्पेशली इम्पोर्ट किया हुआ है इटली से। सो इस पे अगर एक बार कोई बैठता है तो उसका फील अलग ही होता है, बिकॉज दीज काइंड ऑफ लेदर सीट्स यू गेट ओनली इन माइबाक, वॉल्वो, यही कंपनी है जो यूज़ कर रहे हैं। तो वो हमने इसमें यूज किया था बिकॉज कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्लियर था कि बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए। मुझे एक बार देखना है, इतनी ज्यादा उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकली चेक करें बिना एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो यू कैन एक्चुअली फील द सॉफ्टनेस ऑफ द लेदर। मुझे ट्रे साइज बहुत अट्रैक्टिव है। हाँ, छोटा सा होता है तो भाई ये बहुत अच्छा खासा है, आप बहुत आराम से इसमें वो कर सकते हैं। और पूरा इसके अंदर इस तरीके से जैसे जा रहा है ना, पूरा डिजाइनिंग बहुत प्यारा लग रहा है, पीछे से बैठ के बहुत अच्छा लुक आ रहा है। सो अभी तो आप जैसे रात के टाइम पे इसकी एम्बिएंट लाइट, स्काई रूफ, एम्बिएंट लाइट ये सब चालू करोगे ना, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि आप एक प्रॉपर 5-स्टार, मतलब या तो आप बोलो ना कि जेट में जा रहे, वैसा फील आएगा। फिर तो इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल हाई क्रॉस लेंगे और पार्ट बनाएंगे। ओके, ऑलराइट। अच्छा, फ्रंट में हमने क्या-क्या किया? सो फ्रंट में अगेन वी हैव चेन द लेदर, तो ये पूरा हुआ है, और ये डैशबोर्ड पे भी हमने लेदर किया हुआ है। बाकी और मेजर चेंजेस फ्रंट साइड में कुछ नहीं है। Yeah, so these are the things what we have done in. वैसे कार के अंदर बैठ के ना मुझे बिल्कुल लेस क्लास वाला फील आ गया है कि यार सीरियसली मैं बैक में बैठी हूँ, मैं पता भी नहीं चल रहा कि हाई क्रॉस है। Exactly. In fact, हमारे पास S क्लास का भी प्रोजेक्ट चालू है, जो हम ओल्ड S क्लास को माइबाक कन्वर्ट कर रहे हैं लेटेस्ट 2023 शेप में। अच्छा, हाँ वो भी पॉसिबल होता है। एंड हाँ, तो देयर आर टू प्रोजेक्ट्स, आई विल शो यू। एक पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, आपके मुंबई में वो नहीं है ना 10-15 साल वाला चक्कर भी? नहीं नहीं, मुंबई में इनफैक्ट आई थिंक इंडिया में एक्सेप्ट फॉर दिल्ली इट्स नॉट देयर एनीवेयर। सो एज लॉन्ग एज आपका PUC एंड एवरीथिंग इज देयर एंड यू आर मेंटेनिंग द कार प्रॉपर्ली, यू कैन यूज इट फॉर मोर देन 15 इयर्स। सो मींस आप कार लीजिए और चलाइए, उसके बाद उसको जैसा आपको कन्वर्ट कराना है करा सकते हैं, उसके लिए आप लोग हैं यहाँ पे। यस, मुझे मेन मॉडिफिकेशन में ना वो चाहिए, बहुत क्लीनलीनेस चाहिए कि काम ऐसा होना चाहिए कि फिट एंड फिनिश में ना पता ना चले कि कंपनी की तरफ से ही काम हुआ है, तो आपको हाई क्रॉस ऐसी लगी ना? एग्जैक्टली, मेरे को वही मेन अट्रैक्शन आता है। अदरवाइज मैं बहुत सारा जो देखती हूँ ना कि हाँ लोग करते हैं, होता है कि यार ये ऐसा काम किया हुआ है, ये काम अच्छा है आपका। सो दिस इज दैट कार, ये ओल्ड एस क्लास है, 2011 मॉडल है, जिसको हम माइबाक में कन्वर्ट कर रहे हैं। So, okay. अभी आपको फ्रंट से तो ऐसा ही लग रहा होगा कि माइबाक ही है। ये पूरा एक्सटीरियर चेंज है, जिसमें बॉनेट हो गया, हेडलाइट्स है, बम्पर है, ग्रिल है, साइड के फेंडर्स है, ये सारी चीजें हमने चेंज की है। इनफैक्ट पीछे भी इसका डिक्की, क्वार्टर पैनल, टेल लाइट्स, ये सारी चीजें हमने चेंज की है। और फ्रंट से ज्यादा फैब्रिकेशन रेयर में होता है, बिकॉज क्वार्टर पैनल को हाफ कट करके यूज करना पड़ता है टू इंश्योर दैट कि टेल लाइट्स उसमें फिट आ जाए। तो इसके अंदर जब हम लोग ये वाला किट आप लगाते हैं, yes. तो इसके अंदर कुछ छेड़खानी होती है कार में? नहीं, ऑल द थिंग्स आर प्रॉपर, मतलब आप सेंसर्स कैसे होता है इतने पुराने वर्जन के साथ एकदम लेटेस्ट उसको? हाँ, क्योंकि इस किट को जब बनाते हैं ना, तो उन लोग इसके साथ अलाइन हो उसी हिसाब से इसका प्रोडक्शन करते हैं। ओके,
सो प्रोडक्शन के टाइम पे व्हाट दे डू, इसका एक प्रॉपर 3D स्केल बना के उसके हिसाब से इसके पार्ट्स बनते हैं ताकि वो उस पे बोल्ट ऑन प्रॉपर फिट हो जाए और कहीं पे भी। मेरा पॉइंट ये है कि जैसे 2011 है ये, करेक्ट, 2015 में फिर कार में बहुत सारे चेंजेस हो गए थे, किट वो एक ही होता है या अलग अलग किट से लोग डिजाइन करते हैं? अलग अलग किट डिजाइन करते हैं, अलग अलग। हाँ, सो 2011 से कंपेटेबल है वो, डिफरेंट। एग्जैक्टली, सो दिस इज W221, इसको आप W222 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी भी किट आती है मार्केट में, और अभी जो हम कर रहे हैं W223 में कर रहे हैं। तो ये नॉलेज आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर्स के लिए कि अगर उनके पास पुरानी गाड़ी है तो क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप आज की तारीख में माइबाग लोगे तो आपको पता है कितनी एक्सपेंसिव है, उसके 10% से भी कम कॉस्ट में आप पुरानी गाड़ी को माइबाग बना सकते हैं। मुझे लग रहा है सतीश भैया मैं 2011 वाली खरीद लेती हूँ सेकंड हैंड, yes. कन्वर्ट करा लेती हूँ, मुंबई में ही चला लेंगे दिल्ली में तो कोई हाथ नहीं लगाने देगा उस गाड़ी को, अपने उठा के ले जाएगी। So, बोल कार्स को वैसे इनके ऊपर कुछ बैन होना नहीं चाहिए, कुछ होता नहीं है इंजन वाइज, एक्चुअली दे आर वेरी सेफ, देयर आर मतलब इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन जो मेन कंसर्न है वैसा भी कुछ इशू नहीं है। एग्जैक्टली, तो ये एक्चुअली ये शेप में थी जो आप वहां पे देख रहे हैं। ओके, हां, सो नाउ लकीली ये दूसरी गाड़ी भी है, और जो मैं आपको बोल रहा था कि W221 से W222 होती है, इसको हम W222 में करेंगे। तो हर एक की चॉइस होती है इसमें, अगर आप देखें तो हेडलाइट काफी स्लीक है तो लोगों को लगता है यार वो मजा नहीं आ रहा, हेडलाइट बड़ी अच्छी लगती है, तो W222 में बड़ी हेडलाइट होगी। तो मेरा बोलना है कि अगर आपके पास कोई भी पुरानी लग्जरी कार है ना, तो बेचने के पहले एक बार एटलीस्ट नॉट जस्ट ऑटो राउंडर्स, कहीं पे भी एक बार चेक करिए, आपकी सिटी में भी चेक करिए कि उसमें क्या हो सकता है, क्योंकि ये गाड़ियां बहुत सही होती है, बहुत लग्जरी है, मतलब वेरी कंफर्टेबल, और थोड़ा सा चेंज करा के उसको एकदम फ्रेश लुक दे, 5 साल और यूज करो। चलिए भैया वापस बैक टू आर अल्फार्ड जो मेन अट्रैक्शन है, क्योंकि हाई क्रॉस इतनी बिक्री है ना, करेक्ट, और इतनी क्वेरीज है हमारे पास कि इस समय क्या करा सकते हैं। Exactly. और ये पेड प्रमोशन नहीं है, कोई पैसा हमने नहीं लिया इस वीडियो को बनाने के लिए, मुझे ये काम अच्छा लगा था इसलिए। इनफैक्ट वी वर सरप्राइज्ड, क्योंकि आजकल तो मतलब बहुत छोटे, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट देयर आर पीपल हु विल कम एंड रिक्वेस्ट कि सर हम गाड़ी बनाना चाहते हैं, आप फ्री में बना दीजिए, या हम रिव्यू करने आएंगे आप हमको क्या देंगे। आई वॉज सरप्राइज कि यहाँ से ऐसा कोई रिक्वायरमेंट या कोई डिस्कशन अभी तक भी नहीं हुआ है, एंड आई एम श्योर दैट इज हाउ दे ऑपरेट, नहीं होगा, दैट्स ग्रेट, रियली ग्रेट। चलिए अच्छा अब आते हैं प्राइस के ऊपर बात करते हैं, प्राइस हमें नहीं चाहिए, आप हमारे ऑडियंस के लिए बताइए कि okay. हमारे पास हाई क्रॉस है, करेक्ट, हाई क्रॉस बहुत अच्छी कार है, हाइब्रिड आप सबको पता है बहुत ज्यादा बिक्री है, खरीदने लायक गाड़ी है हाई क्रॉस, अगर खरीदिए तो हाइब्रिड वर्जन पे जाना, हमेशा सबको बोलती हूँ VX से नीचे नहीं लेनी है गाड़ी, ये हाइब्रिड ही है, ठीक है, हाइब्रिड में उनका बेस ही है ये। अच्छा आप मुझे आप बताइए हाई क्रॉस किसी ने ली, अब उसको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा उसको मॉडिफाई कराने के लिए? सो अगर मैं इस गाड़ी का एज अ रेफरेंस लूँ, तो जैसे अगर ये अल्फार्ड किट है ये आप डालते हैं तो अराउंड 1 लाख 1 लाख 10,000 तक ये हो जाता है, प्लस किट की प्राइस है, बट यू हैव टू पेंट द किट एंड इंस्टॉल आल्सो, तो फिटिंग इंस्टॉलेशन पेंटिंग के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। और जो किट हमारा है उसमें आपका फ्रंट और फ्रंट रेयर दोनों कवर्ड है, यस। अलॉय व्हील्स अगर आप देखेंगे 17 इंच के तो 40,000 ऑनवर्ड शुरू होते हैं, टायर भी आप देखेंगे तो 7,000 ऑनवर्ड शुरू होते हैं, प्लस इसमें हमने PPF किया हुआ है गरवारे का, तो वो 1,25,000 से शुरू होता है, 360 डिग्री कैमरा का सेटअप दिया हुआ है तो ये हमने किया है, साइड के फुटस्टेप्स है, दिस इज ऑल्सो कॉस्टिंग अराउंड 45-50,000, टेल लाइट्स की रेंज अगर आप देखें तो 15-20,000 तक जाता है, इंटीरियर का जो हमने इसमें काम किया है, अगर आप जेन्युइन लेदर नहीं लेते हैं तो इस टाइप का काम आप 50,000 ऑनवर्ड शुरू कर सकते हैं, एंड देन इट कैन गो अप टू 2 लाख 3 लाख, डिपेंड्स कि आप क्या मटेरियल यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अगर आपका बजट समझो 2-2.5 लाख का है तो उसमें भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और बाकी तो फिर लिमिट नहीं है, आप गाड़ी लेंगे तो मुझे पता है आप क्या क्या करोगे। नहीं मुझे अगर ऐसा हो सकता है फिर तो मॉडिफिकेशन अपनी कार में कराने में डर नहीं है, डेफिनेटली कराना चाहिए, मतलब हाई क्रॉस सीरियसली मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा, यस यस, आज की तारीख में मतलब वैल्यू फॉर मनी कार आप बोल सकते हो, क्योंकि बाकी सब तो आप देखेंगे तो सब 60 लाख क्रॉस हो गया है अभी, तो वो हिसाब से परफेक्ट प्राइस में आती है। एंड आई थिंक आई हैव हर्ड रिसेंटली इन लास्ट 2 डेज कि शायद गवर्नमेंट हाइब्रिड कार को और सब्सिडी दे रही है, तो हाई क्रॉस शायद 5 लाख रुपए और सस्ती होने वाली है, दैट इज गडकरी का कुछ, हाँ जी मैं उनका नाम नहीं ले रहा था, आप तो ले सकते हैं, तो गडकरी जी ने बोला है कि 5-5.5 लाख रुपए सस्ता होने वाला है, तो आपके पास 5.5 लाख रुपए बचने वाले हैं, तो कहाँ खर्चा करना है वो आप देख सकते हैं। I agree. My personal opinion, EV से तो हमेशा हाइब्रिड कार ही ज्यादा बेटर है।
तो चलिए दोस्त, ये थी हमारी टोयोटा अल्फार्ड ही, अब मैं इसको बोलूंगी क्योंकि अल्फार्ड लग रही है ये हर एंगल से। यहाँ पर देखिए जो मेरा मेन अट्रैक्शन था ना काम का, मॉडिफिकेशन बहुत लोग कर देते हैं लेकिन मॉडिफिकेशन आपका ऐसा होना चाहिए कि कार में ना जो फिट एंड फिनिश है, गाड़ी को देखे तो एकदम नीट एंड क्लीन, कहीं आपका वारंटी हैम्पर ना हो, कहीं पर आपको कोई चैलेंजेस ना फेस करने पड़े, रात को बहुत पीसफुली आप सोए, पैसा थोड़ा ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम एक नंबर का होना चाहिए। वो चीज़ मैं देखकर यहाँ पर आई थी और ऑटो राउंडर्स को इस चीज़ में मैं फुल ऑन अप्रिशिएट करूँगी यार, बहुत 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 अच्छा काम है। स्पेशली कार बाहर से तो है ही सुंदर लेकिन इंटीरियर भी बहुत ही माइंड ब्लोइंग है और आपने देखा है वो पूरा। और इनकी कुछ और कार्स भी जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दे रही है, इसमें एक येलो कलर की फॉर्च्यूनर इन्होंने बनाई थी, तो वो मैंने इनको बोला है कि उसको मंगवाइए, मुझे वो भी कवर करनी है, दिखानी है अपने ऑडियंस को, तो वो कार भी आपको मैं दिखाऊंगी। एक दो और प्रोजेक्ट्स भी इनके हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगे, डिफरेंट मुझे लगे, जो हम लोग करवा सकते हैं अपनी कार्स के अंदर और अच्छा खासा काम करवा सकते हैं। मतलब पैसा अगर आप खर्च करेंगे ना तो वो वर्थ स्पेंडिंग आपको लगने वाला है कि यार हाँ मेरा वर्थ स्पेंट है, मेरा पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ है। वो चीज़ें मुझे इनकी कार में लगी है। प्रोडक्ट की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, जो हमेशा मैं आपको बोलती हूँ, जैसे मैं करोल बाग का मैंने बीच में नाम लिया था, मेरे को वहाँ पर ये होता है हर कोई शायद ख़राब काम नहीं करता, लेकिन कई बार होता है कुछ कार्स हमारे पास आती हैं जो लोग हमें बोलते हैं कि वीडियो बना दीजिए, उन्होंने ऐसा काम कर दिया वैसा काम कर दिया, तो यार आप खुद भी पहले देख लीजिए अगर वो कोई कार पर काम कर रहे हैं, आप एक बार विजिट कीजिए, देखिए उस चीज़ को, उसके बाद मॉडिफिकेशन कराइए, नॉट फ्रॉम देम के ज़रूरी नहीं इन्हीं से कराइए, जहाँ से भी कराओ, पैसा खर्च होता है यार, लाखों में बात हो रही है यहाँ पे, हज़ारों नहीं लगते आपके, तो जहाँ से भी कराइए सोच समझ के, तब अपने पैसे को खर्च कीजिए। बाय।